पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाए, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैयाजी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहां जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते 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 मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी, हमें कमेंट करें और कहानी को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।